आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। तो आज ये जो वीडियो रहने वाली है, आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। और यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं कराने वाला, ठीक है? मैं आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके आसपास जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उनको मैं कराने वाला हूं, ठीक है? बाकी जिनका पेपर आज हो गया वो मुझसे पूछ रहे सर मेंस के लिए क्या करें, तो आप पढ़ाई अपनी आज से ही स्टार्ट कर दो। बाकी जब भी प्री खत्म हो जाएगा तो उसके बाद से हम यूट्यूब पे ही करेंगे, जैसे हमारी इंटेंस मैथ रिविजन वाली क्लास हुई थी वैसी ही क्लासेस करेंगे, ठीक है? और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस क्लासेस होंगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी शानदार क्लासेस होने वाली हैं, ठीक है? अभी मैं कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा। हाँ, अगर आपने कंप्लीट एडवांस मैथ की वीडियो देखी है 7 आवर्स वाली, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा है एडवांस मैथ से। बाकी अगर आपने इंटेंस मैथ रिविजन वाली क्लास देखी है तो उससे भी भर भर के उस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं। बाकी जो भी मैंने उसमें अलग अलग टॉपिक्स कराए थे, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पर क्वेश्चन आया था आपका, आपका रेस पे आया था, आपका इलेक्शन पे आया था क्वेश्चन, तो ये सारी चीज़ें मैंने करा रखी हैं ऑलरेडी, ठीक है? आ जाओ यहाँ पे हम, ठीक है? बाकी आपका देखो सीएचएसएल मेंस का भी एग्जाम आने वाला है, आपका सीपीओ मेंस का भी आने वाला है। तो सीपीओ मेंस के लिए ना सिर्फ आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, ठीक है? ठीक है, बाकी के लिए मैं प्रीवियस ईयर सजेस्ट नहीं करता हूँ, मॉक सजेस्ट करता हूँ। लेकिन अगर सीपीओ में सिर्फ इंग्लिश आना है तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है? बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? बाकी वो चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। बाकी सीएचएसएल मेंस में भी आप लगाना शुरू कर दो मॉक वगैरह, अगर आपका एग्जाम खत्म हो चुका है तो। बाकी टेस्ट बुक पे आपके भर भर के मॉक्स अवेलेबल हैं, तो आपको अगर लेना हो तो टेस्ट बुक पास प्रो ही लेना, जिससे आप प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह एक्सेस कर पाओ। बाकी आपको जब भी लेना है एसएचई के 12 कोड का यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे आया था, और ये जो भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन मैंने अपने लेक्चर से ही उठाए हैं, मोस्टली क्वेश्चन, ठीक है? तो देखो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया था, बिल्कुल इसके सिमिलर आया था, बिल्कुल ऐसा ही आया था। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वह क्या कर रहा है, जितने में सामान खरीदा था उतने में ही बेच रहा है, ठीक है? मतलब वहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा, लेकिन वह क्या करता है, फॉल्स वेट यूज़ करता है। मतलब 1 kg के जगह वह 925 ग्राम ही देता है। और आपको पता है अगर दुकानदार 1 kg के जगह आपको 925 ग्राम ही दे रहा है तो उस दुकानदार का फायदा हो रहा है। और जब भी दुकानदार का फायदा होता है तो सीपी कम होगा, एसपी ज़्यादा होगा, तभी तो फायदा होगा। मतलब सीपी के नीचे मैं छोटी वैल्यू वैल्यू लिखूंगा और एसपी के नीचे मैं बड़ी वाली वैल्यू लिखूंगा। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू दिख रहा है, एक 925 ग्राम, एक 1000 ग्राम। तो 925 को आप इधर लिखोगे, 1000 को आप इधर लिखोगे, आपको दिख रहा है 75 का फायदा हो रहा है 925 पे इंटू 100। तो ये आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा, परसेंटेज। तो यहाँ पे परसेंटेज पूछा है लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया है, मतलब आपको यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप ये कर देना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? जो भी वैल्यू आएगी आप देख लेना। अब देखो ये ऊपर वाले भी देख लो, थोड़ा सा मैं एक स्टेप आपको आगे बढ़ के भी चीज़ें बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह ऐसा कहता है कि मैं अपना जो सामान दे रहा हूँ, दुकानदार कह रहा है कि भैया मैं आपको जो सामान दे रहा हूँ मैं 24% लॉस पे दे रहा हूँ। मतलब वो बता रहा है कि मेरा घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है। मतलब अगर मैंने 100 का सामान खरीदा तो वो 76 में बेच रहा है, 24% का लॉस हो रहा है। ये आपका सीपी है, आपका एसपी है। लेकिन वह घपलेबाजी कहाँ पे कर रहा है, वह वेट में घपलेबाजी कर रहा है, वह 200 ग्राम की जगह 100 ग्राम ही दे रहा है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे दुकानदार का फायदा हो रहा है। देखो यहाँ पे तो दुकानदार कह ही रहा है कि उसका 24% का लॉस हो रहा है, तो ऐसे लिखोगे जब लॉस हो रहा है तो बड़ी वाली वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे, छोटी वाली वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे, तभी तो लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे हो रहा है उसको फायदा, क्योंकि 200 ग्राम की जगह वो 100 ग्राम ही दे रहा है। अब फायदा हो रहा है तो यहाँ पे छोटी वाली वैल्यू लिखोगे सीपी के सामने, एसपी के सामने बड़ी वाली वैल्यू लिखोगे। तो आपको दो ही वैल्यू दिख रहा है, 100 ग्राम 200 ग्राम, छोटा वाला वैल्यू ये है, बड़ा वाला वैल्यू ये है। तो अब आप इसको काट दो, 20 से 20 चला गया, बाकी आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो नीचे। तो 100 यहाँ पे है, आपका यहाँ पे 152 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है 52% का आपको हो रहा है फायदा, ठीक है? तो ये मैंने आपको एक स्टेप आगे बढ़ के भी चीजें बता दी हैं। आ जाओ नेक्स्ट पे, यहाँ पे मैं आपको एक टाइप का क्वेश्चन और करा दूंगा, चलो मैं अगली वाली क्लास में करा दूंगा, ठीक है? हम अब आ जाओ यहाँ पे, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आए थे। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, आपका ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू आपका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड इसी फॉर्मूले पे आया था, जैसे पूछा था, मैं एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ कि आपसे पूछा था, क्या पूछा था आपसे, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना था, ठीक है? अब आपको पता है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे एस प्लस सी एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एस सी, ये तो लिखते हो। और यहाँ पे 1 माइनस एस सी, एस मतलब साइन थीटा है, सी मतलब कॉस थीटा है। तो आपको दिख रहा है ये 1 होता है, 1 माइनस एस सी से 1 माइनस एस सी चला जाएगा आपका, सिंपल ये बच जाएगा, ठीक है? मतलब इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ, अब कुछ ये आप और जान लो, ठीक है? इस पे आपका एक क्वेश्चन भी आया था, बाकी आप जान भी लो इसको, मैं इससे रिलेटेड जितने भी रिजल्ट हैं मैं आपको बता रहा हूँ आज,
ठीक है। देखो अगर x प्लस वन ओपन x की वैल्यू n है तो x स्क्वायर प्लस वन ओपन x स्क्वायर की वैल्यू n स्क्वायर माइनस टू होगी। अगर x माइनस वन ओपन x की वैल्यू n है तो x स्क्वायर प्लस वन ओपन x स्क्वायर की वैल्यू n स्क्वायर माइनस टू होगी। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। जैसे अगर मैं बदलूँ यहाँ पे भी देख लो, अगर x प्लस वन ओपन x की वैल्यू n है तो x क्यूब प्लस वन ओपन x क्यूब के लिए n क्यूब माइनस थ्री n है। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आसान है, आप कर लोगे आराम से। ठीक है, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन सेम आया था, ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने लेक्चर से ही उठाए हैं। ठीक है, हाँ अब देखो आपको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू बता, आपको इसकी वैल्यू बताना है, तो ये कैसे आएगा? इसका क्यूब करने पे तो ऐसा कुछ आएगा, तो इसका क्यूब करो आप तो आपका क्या जाएगा, 8x³ प्लस 27y³ क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b आपका क्या है 2x प्लस 3y और इक्वल्स टू आपका इसका क्यूब कर दो तो 16 का क्यूब कर दो। ठीक है, और आपको ऐसे लिखना नहीं, आप एक लाइन में लिख सकते हो, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है प्लस ये क्या है 3 × 6 = 18। ठीक है, 18 इंटू xy क्या है 9, तो ये हो गया। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 16 इक्वल्स टू 16 का क्यूब। तो अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू आपको बताना है तो इसको इधर भेज दो, तो 16 आप कॉमन ले लो तो आपका 16 स्क्वायर मतलब 256 माइनस 18 × 9 बचाना तो 162। तो आपको दिख रहा है, आप यूनिट डिजिट देखो तो आपका 4 आ रहा है, यहाँ पे आपका 6 रहा है, 6 × 6 = 24 आ जाएगा, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन कैसा पूछा था कि आपको इस टाइप की कुछ वैल्यू दिया था, जैसे मान लेता हूँ मैं कि 3 + √2/3 − √2 दिया है, इक्वल्स टू आपको कहा है कि a + b √2 है। तो आपको यहाँ पे बताना था कि आपको b की वैल्यू बता पूछ सकता है या a की वैल्यू पूछ सकता है या कुछ और पूछ सकता है। मान लो आपसे a + 2b पूछ लिया, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कैसे करोगे, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करोगे, इसके इनवर्स, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी कुछ भी वैल्यू आ सकती है, मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ। मान लो इसकी वैल्यू आ गई 2 + 5√2, मान लेता हूँ सिर्फ। ठीक है, तो आपको दिख रहा है a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 5 है। तो अगर आपसे a + 2b पूछा है तो a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू 2b की वैल्यू क्या है 10 आ गई, तो आपसे 12 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे पूछा गया था। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो चीज़ें रिजल्ट लिखी हैं आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, अगर आप एक सेकंड बस, हाँ अगर x की वैल्यू आपको 4 + √15 दिया है तो सबसे पहले आपको रूट के अंदर कर लेना है। अगर रूट के अंदर आपने देखा 16 और 15 आपको रूट के अंदर दिख रहा है, ठीक है भाई, इसको आप ऐसे लिखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा रूट के अंदर। अब अगर रूट के अंदर जो वैल्यू आपको दिख रही है, अगर उसका डिफरेंस 1 है, यहाँ पे 1 है, आपको दिख रहा है 16 − 15 1 होता है, अगर इसका डिफरेंस 1 है, देखो x की वैल्यू आपको दिया था, डिफरेंस अगर 1 है तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 2 × बड़ा वाला टर्म। बड़ा वाला टर्म कौन है इन दोनों में बड़ा वाला टर्म ये, क्योंकि ये रूट 16 है, ये रूट 15 है, तो ये आपका बड़ा है, तो 2 × बड़ा वाला टर्म। और x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है 2 × छोटा वाला टर्म। छोटा वाला टर्म कौन सा, ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर आपको देखो यहाँ पे दिख गया ये चीज, तो आपको देखा डिफरेंस 1 है, तो अगर x प्लस 1 अपॉन x पूछे आपसे तो 2 × बड़ा वाला टर्म, और x माइनस 1 अपॉन x पूछेगा तो 2 × छोटा वाला टर्म। ठीक है, साथ में आपको ये वाला रिजल्ट भी याद होना चाहिए, जैसे अगर आपको x की वैल्यू √a + √b / √a − √b दिया है और आपसे x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू पूछा है, तो सिंपल होता है 2a + b / a − b। a b क्या है, a b आपका रूट के अंदर वाली वैल्यूज है, आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे आपको ऐसा दिया है तो आप पहले रूट के अंदर लिखोगे उसको सारी चीजें, मतलब √4 को आप क्या लिखोगे √4 √3 √4 √3। अब आपसे x प्लस 1 अपॉन x पूछा है तो 2a + b / a − b, तो आपका ये आ जाएगा डायरेक्ट रिजल्ट, आपको याद रखना है जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस टाइप का आने के बिल्कुल चांसेस हैं। आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, मैंने ज्योमेट्री में जो आपके 7-7 घंटे वाली वीडियो है सबसे पहले मैंने आपको यही बताया, तीसरी स्लाइड पे आपको मिल जाएगा, ये आपको दूसरी स्लाइड पे मिल जाएगा, ये आपको तीसरी स्लाइड पे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, आपको पता है कि देखो आपको पता है ये पूरा जो सर्कल होता है 360 डिग्री होता है, इस 360 डिग्री का ये थीटा डिग्री का आपको पूछ रहा है, थीटा डिग्री का सामने कितना होगा। ठीक है, यही पूछ रहा है, मतलब जो 2πr पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr, इस पूरे सर्कमफ्रेंस का आपको ये वाला हिस्सा पूछ रहा है, मतलब पूरे 360 डिग्री का आपको थीटा वाला हिस्सा पूछ रहा है, मतलब थीटा वाला हिस्सा पूछ रहा है 360 डिग्री का, तो ये आपका आर्क लेंथ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो पूरा एरिया आपको क्या होता है, पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और ये पूरा क्या होता है 360 डिग्री का थीटा वाला हिस्सा आपसे इसका एरिया पूछा है, मतलब थीटा हिस्सा का आपसे एरिया पूछा है।
तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर होता है। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज थ्री इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ रेडियस, मतलब ये अगर रेडियस है तो ये आपका आर्क लेंथ 3R है और आपसे पूछ रहा है कि इस सेक्टर का एरिया बताओ। तो आपको पता है पूरा एरिया क्या होता है, पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अब आपको इसका 3R मतलब ये वाला हिस्सा दिया, आपको यही वाला हिस्सा तो पता है, इस हिस्से का तो बताना है। और आपको पूरा हिस्सा क्या होता है, पूरा हिस्सा 2πr होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे आर्क लेंथ दिया है ना 3R और पूरा हिस्सा 2πr होता है, मतलब 2πr का आपको 3R का एरिया बताना है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका r से r चला जा रहा है, पाई से पाई चला जा रहा है, आपका 3/2R² आ रहा है, 1.5R² आ रहा है। ऐसा यहाँ पे भी देखो क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, इसी फिगर से मैं आपको करके बता रहा हूँ, इस इतना दिया, मतलब इस वाले सेक्टर का जो एरिया दिया है वह आपको 112 दिया है और आपसे ये लेंथ पूछा है, ये लेंथ पूछा है। तो आपको पता है ये पूरा एरिया क्या होगा, पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं, पाई आर स्क्वायर का ये वाला हिस्सा आपको पता है, ये वाला हिस्सा आपको पता है, ये वाला हिस्सा कितना है 112। अरे ये पूरा एरिया निकालो तो आपको ये एरिया, इस हिस्से का एरिया लिखना पड़ेगा ना, आपने पूरे हिस्से का एरिया लिखा तो इस वाले हिस्से का भी आपको एरिया ही लिखना पड़ेगा। तो इतने फ्रैक्शन का आपको क्या बताना है, आर्क लेंथ बताना है। तो आर्क लेंथ क्या होता है, 2πr का आपको इतना हिस्सा बताना है। तो आपका यहाँ से r से आपका r चला गया, पाई से पाई चला गया, r की वैल्यू आपको दिया है 28 दिया है, तो 28 चौका होता है और 4 दुनी आपका 8 होता है, तो आपका आर्क लेंथ जो होगा 8 आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको ये वाला एंगल दिया था, आपसे ये वाला एंगल पूछा था, तो आपको दिख रहा है भाई ये टेंजेंट है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों रेडियस है ये इसके बराबर हो जाएगा और ये तो कॉमन है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो ये अगर ये थीटा है तो ये आपका सिंपली थीटा बाई 2 हो जाएगा कि नहीं, इजी है कि नहीं, बिल्कुल इजी है। यहाँ से आपको एक दो रिजल्ट और याद दिलाऊंगा ना, जैसे आपको एक रिजल्ट ये याद आना चाहिए, एक सेकंड रुक जाओ, कि अगर ये थीटा है तो ये आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा। कैसे, ये आपको पता है ये पूरा क्वाड्रिलेटरल है, टी पी ओ क्यू क्या है क्वाड्रिलेटरल में, चारों का सम, चारों एंगल का सम क्या होगा 360, तो ये आपका 90 है, ये 90 है, मतलब 180 तो चला गया, इन दोनों का सब 180 होना चाहिए। तो अगर ये थीटा है तो ये आपका 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, साथ में आपको एक रिजल्ट और याद होना चाहिए कि अगर ये थीटा है तो ये आपका सिंपली थीटा बाई 2 हो जाता है। कैसे हो जाता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लो ये 40 डिग्री है, तो आपको पता है ये 90 है, ये 90 है ना, 90, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 140 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। जब 140 है आपको पता है ये दोनों बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे और ये कितने होंगे, ये आपके 20 डिग्री होंगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि अगर ये 40 है तो ये 20 मतलब थीटा बाई 2 है, मतलब ये अगर थीटा है तो ये आपका क्या है, ये आपका थीटा बाई 2। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। इस टाइप का क्वेश्चन आया था, काफी आसान था। क्या था इसमें, एक सर्कल है, यहाँ पे दो कॉर्ड्स दिए हैं आपको, ठीक है, एक कॉर्ड की लेंथ कितनी है 24 है, एक कॉर्ड की लेंथ कितनी है 10 है, ठीक है, और इनके बीच का जो गैप है वह 7 है, मतलब मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो गैप है वह 7 का है, तो आपसे रेडियस पूछा है। तो देखो आपको पता है अगर ये 24 है तो ये 12 हो जाएगा, ये जो हिस्सा है ये 12 हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला हिस्सा 5 हो जाएगा, और आपको पता है रेडियस आपको बताना है, आपको डायमीटर बताना था, डायमीटर बताना था, तो आपको यहाँ पे 12 और 5 को देख के एक ट्रिपलेट याद आ रहा होगा, 13 वाला ट्रिपलेट, जब 13 ट्रिपलेट याद आएगा तो उससे आप एक बार बैठा के देख लो क्या बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मेरा 13 होता तो आपको पता है ये 13 है ये 12 है तो ये कितना हो जाता, ये 5 हो जाता, और आपको दिख रहा है अगर ये 13 है और ये आपका 5 है तो ये 12 हो जाता, ये 12 हो जाता, और आपको दिख रहा है 12 माइनस 5 7 होता भी है, मतलब बिल्कुल सही, मतलब इसका रेडियस जो होगा 13 हो जाएगा तो डायमीटर आपका 26 हो जाएगा। ठीक है, इस पे बेस्ड आपको ये मैंने क्वेश्चन कराया था, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, आपको करना हो कर लो। अब SI का डिफरेंस पूछा था, अरे यार आपसे सिंपल का क्या था कि P1 R1 T1 आपको दिया, मतलब आपको कुछ प्रिंसिपल दिया था, रेट दिया था, टाइम दिया था, ऐसे आपको एक और प्रिंसिपल दिया था, रेट दिया था, टाइम दिया था, आपको दोनों का SI का डिफरेंस बताना था। SI क्या होता है, SI होता है P into R into T upon 100, तो यहाँ से आप SI 1 निकाल लेते, यहाँ से आप SI 2 निकाल लेते, P2 R2 T2 upon 100, ठीक है, यहाँ से आपका SI 1 निकल जाता, P1 R1 T1 upon 100, यहाँ से आपका SI 2 निकल जाता, S1 माइनस SI2 आप कर देते, आपका डिफरेंस निकल के आ जाता। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको ये करना है, आपको बहुत सारी वैल्यू आपको काट भी लेनी थी, ठीक है। SI पे एक फीक इंस्टॉलमेंट, फीक इंस्टॉलमेंट क्या होता है, बेसिकली वो इंस्टॉलमेंट नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसा क्वेश्चन आया था, उसको कैसे करना है, एग्जैक्ट डेटा मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी मैं डेटा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, देखो आपको दिया था, एक है, एक अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, बेसिकली प्रिंसिपल है,
तो इस पैसा को वह क्या कर रहा है, 20% पे उठा रहा है। इसमें से कुछ पैसा जो है वह 1 साल बाद लौटा दे रहा है, ठीक है। इसमें से इतना पैसा वह 1 साल बाद लौटा दे रहा है, और जो बचा हुआ पैसा है, इतना पैसा लौटा दे रहा है और जो बचा हुआ पैसा है उसको दूसरे साल के एंड पे लौटा रहा है। तो पूछ रहा है दूसरे साल के एंड पे वो कितना पैसा लौटाएगा, ठीक है। और ये जो पैसा लौटा रहा है ना, ये प्रिंसिपल का ही पैसा लौटा रहा है। ये जो पैसा है ये प्रिंसिपल का ही पैसा लौटा रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है। कैसे करोगे? देखो, ये जो पैसा वो 1 साल के बाद लौटा रहा है ना, मतलब इस पे आपका 1 साल का ही इंटरेस्ट पड़ा है, ठीक है। तो इस पे आपका सिर्फ 20% ही पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है ना? और इतना पैसा वो लौटा दिया है, इतना पैसा लौटा चुका है, मतलब 1 साल पे इतना पैसा आपका लौटा चुका है, ठीक है। और इस पे, इसी पे आपका 20% पड़ेगा, क्योंकि ये जो पैसा 1 साल बाद लौटा है उस पे 1 साल का ही तो इंटरेस्ट पड़ेगा। और ये जो पैसा बच गया, ये पैसा बच गया है, ये जो पैसा बच गया है इस पे आपका 2 साल का इंटरेस्ट पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा 2 साल बाद दे रहा है, ठीक है। तो इस पे आपका 2 साल मतलब इस पे 40% इंटरेस्ट पड़ेगा। लेकिन आपको ये बताना है कि वह कितना पैसा दूसरे साल के एंड पे लौटाएगा। अब आपको एक बात समझनी है, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, जैसे आप कन्फ्यूज ना हो, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से, बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो, मान लो ये है प्रिंसिपल पी है, इसमें से वह P1 पैसा पहले साल के एंड पे लौटा दे रहा है, और जो बचा हुआ पैसा है, मतलब कितना पैसा बच गया, P-P1 पैसा बच गया कि नहीं, ठीक है। तो ये जो पैसा 1 साल के एंड पे लौटा है, इस पे आपका सिर्फ 1 साल का इंटरेस्ट पड़ेगा। इंटरेस्ट आपका 20% था, मतलब इस पे आपका 20% ही इंटरेस्ट पड़ा होगा, ठीक है। और इतना P1 पैसा वो लौटा चुका है, और ये जो पैसा बच गया इस पे 2 साल का इंटरेस्ट पड़ा होगा, क्योंकि भाई इसको तो वो 2 साल बाद लौटा रहा है, ठीक है। तो इस पे आपका 40% इंटरेस्ट पड़ेगा, 20+20%। लेकिन अब वो दूसरे साल के एंड पे कितना पैसा लौटाएगा, तो आपको ये बात समझनी है कि ये जो पैसा है उसने पहले साल पे लौटा दिया, लेकिन इसका इंटरेस्ट तो नहीं लौटाया, मतलब इस P1 पे 20% लौटाएगा, प्लस ये जो पैसा है P-P1 ये लौटाएगा, साथ में इस पे 40% लौटाएगा। तो कितना पैसा लौटाएगा? देखो, आपका P1 पे इंटरेस्ट लौटाएगा, P1 पे जो इंटरेस्ट मिला है वो लौटाएगा, साथ में P-P1 लौटाएगा, क्योंकि भाई ये तो पैसा दिया ही नहीं अभी, ये लौटाएगा, साथ में P-P1 पे जो 40% इंटरेस्ट होगा, इतनी चीजें वो आपको लौटाएगा। ये तीनों चीजें वह 2 साल के एंड पे लौटाएगा, ठीक है, सेकेंड ईयर, ठीक है, समझ में आ गया। आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज द एवरेज ऑफ अदर टू एंगल, ठीक है। तो मतलब इसका अगर देखो, ये अगर ये वाला एंगल एक्स है, तो इनका जो एवरेज है, इसको इक्वल है ना, तो इनका भी एवरेज एक्स हो जाएगा। इन दोनों एंगल का एवरेज एक्स है, ये एंगल एक्स है, ये तो कह रहा है इफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द अदर टू एंगल, मतलब इसका अगर x है तो इन दोनों का एवरेज x होगा, इन दोनों का एवरेज x है, दो एंगल है, तो इसका जो सम हो जाएगा वो 2x हो जाएगा, मतलब टोटल सम, दोनों एंगल का सम 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये x है, ये 2x, मतलब 3x की वैल्यू आपको 180 पता होता है, क्योंकि तीनों एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। तो x की वैल्यू भी आपसे पूछा है, तो x की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा, आपसे एंगल ही तो पूछा, ये वाला एंगल, x की वैल्यू 60 हो जाएगा, ठीक है, आसान सा था। एवरेज पे एलिगेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, बेसिकली आपको क्या कहा है, आपको बॉयज़ का एवरेज दिया है, मान लो बॉयज़ का एवरेज 25 दिया है, गर्ल्स का एवरेज आपको दिया है मान लो 23 दिया है, और आपको टोटल एवरेज बॉयज़ एंड गर्ल्स का एवरेज आपको मान लो दिया है 24। तो आपसे पूछा है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के नंबर्स का रेशियो क्या है, तो आपको सिंपल यहाँ पे करना था, ये आपका 1 आ रहा है, यहाँ पे आपका 1 आ रहा है, तो 1:1 आपका आ जाएगा बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो। एग्जैक्ट डेटा नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, जब भी आपको टोटल का एवरेज दे और टोटल के एक हिस्से का एवरेज दे और बचे हुए हिस्से का एवरेज दे, तो सिंपल आपको एलिगेशन निकाल के इन दोनों का डिफरेंस ऐसे ऐसे जाओ या ऐसे ऐसे जाओ, ठीक है, ऐसे ऐसे जाओ या आप ऐसे ऐसे भी जा सकते हो, वो आपको वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कौन सी वैल्यू बड़ी है छोटी है, उसे ऐसे क्या करो, चाहे जैसे करो, आपका साइन निगेटिव आ जाएगा और क्या, लेकिन आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका डिफरेंस आपको यहाँ पे लिखना रहता है, इसका डिफरेंस आपको यहाँ पे लिखना रहता है, और ये आपका जो रेशियो होता है वो आपका बॉयज रेशियो गर्ल्स हो जाता है, या आपको जो भी डेटा दिया रहेगा उनका रेशियो रहता है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। पी इज 21 times फास्टर देन क्यू, मतलब अगर एफिशिएंसी की बात करूँ, तो अगर क्यू की एफिशिएंसी 1 है तो पी की एफिशिएंसी 21 हो जाएगी, ठीक है। अगर क्यू उस काम को 110 दिन में करता है, तो क्यू 110 दिन तक काम करता है, उसकी एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा कि नहीं, 1 × 110 ही तो हो जाएगा, टोटल काम हो गया। अगर दोनों मिलकर उस काम को करें, मतलब 22 की एफिशिएंसी से करें, तो कितना समय लगेगा आपको, 5 दिन लगेगा, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये एग्जैक्ट डेटा है। अलजेब्रा पे बहुत ही आसान सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन थे, जैसे मान लो आपसे x²-4/(x+2) आपसे पूछ लें, तो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, ये आपका x+2 x-2 है, तो आपका x-2 बच जाएगा कि नहीं, इस टाइप का, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सिंपल
जो हमारा ऊपर आइडेंटिटीज है उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब बहुत ही आसान था, ठीक है। डिविजिबिलिटी पूछा था आपको, एक नंबर दिया था, मान लो आपको दे दिया 5, 2, 7, 3, x, 8, पूछा है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए आपका ये 6 से डिविजिबल होगा। तो आपको पता है, देखो देख लो 5, 3, 8, 8, 2, 10, 17, या ऐसे देख लो ना 5, 2, 7, 3, 10, 8, 18, 18 हो गया जो 3 से डिविजिबल। पहले बताओ 6 से डिविजिबल होने के लिए वह 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, तो यहाँ पे लास्ट में 8 है तो 2 से डिविजिबल हो ही रहा है, बस आपको 3 से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5, 2, 7, 3, 10, 8, 18 जा रहा है, अब आपका ये बच गया 7, तो 7 है तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाए, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाए 2 आ जाए, या और भी वैल्यू आ सकती है, जैसे आपका 5 भी आ सकता है, आपका यहाँ पे 8 भी आ सकता है, ये सारी वैल्यू पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको एक ही वैल्यू ऐसा दिया रहेगा जो पॉसिबल होगा, ठीक है। साथ में मैं आपको और भी चीज़ें बता दूं, जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ, अगर मान लो आपसे 24 पूछ गया, तो 24 को ऐसे नहीं करना कि 6 × 4, 6 से भी जाए 4 से जाए, गलत होता है, आपको को प्राइम में तोड़ना है। तो को प्राइम मतलब समझते हो 8 × 3 में तोड़ना है, मतलब इनके बीच का जो एचसीएफ होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, या कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए 1 के अलावा। तो आपका वह नंबर 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी आपका वह 24 से डिविजिबल होगा, और ये दोनों आप जानते हो। जैसे अगर पूछ ले कोई नंबर 36 से डिविजिबल है, तो आप क्या करोगे, वह आपका 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और ये दोनों को प्राइम है, क्यों, क्योंकि इनका जो एचसीएफ है या इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर हो सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपका वह नंबर 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए। साथ मैंने आपको एक चीज और बताई थी, आपको याद होगा कि 7 × 11 × 13 क्या होता है, आपका 1001 होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी कि नहीं। आप देख लो यहाँ पे 13 × 13 कितना होता है आपका 143 हो गया, और 7 कर दो, 7 तरीके का ही 7 लगा कितना, 2, 7 × 28, 0 हाथ लगा 2, 7 × 7, 30 हाथ लगा 3, ठीक है, 7 × 7, 3, 10, तो आपका 1001 आया कि नहीं, 1001 आ गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे जो नंबर होता है, मान लो ABC जैसा, मान लो 785785 ऐसा नंबर है, मतलब ये चीज़ें रिपीटेड है, या आप ऐसे भी देख सकते हो 52052, अब आपको दिख रहा है ये रिपीटेड नहीं लग रहा, लेकिन ये रिपीटेड ही है, देखो 052 और ये भी तो आपका 052 है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो आपका 7 से भी डिविजिबल होते हैं, 11 से भी डिविजिबल होते हैं, 13 से भी डिविजिबल होते हैं, और 1001 से भी डिविजिबल होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये 1001 है, अगर आप इसको ABC नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ABC ही आएगा, ठीक है। इस वजह से आपके जो इस टाइप के नंबर्स होते हैं वो आपके इन सबसे डिविजिबल होते हैं। आपसे कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि 5x8y5z, ये आपको नंबर दिया है, ये आपका एक से मैं देख लूँ, हाँ ठीक है, ये जो नंबर है आपका इससे 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, ये आपसे कह सकता है कि वह 1001 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछ लेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बता दो, तो आपको पता है ये तीनों और ये तीनों सिमिलर होंगे, तो आपको पता है ये 5 यहाँ पे 5 है, तो ये आपका एक्स की जगह 5 होना चाहिए, और यहाँ पे आपका 5 होना चाहिए, यहाँ पे आपका 8 होना चाहिए, तो आपको दिख रहा है 5, 5, 8, 5, 5, 8 दिख रहा है ना भाई, 5, 5, 8, 5, 5, 8, एक्स की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू है, तो आपके x प्लस वाई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका सिंपल 18 हो जाएगा भाई, 5, 5, 10, 18, इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका एज पे बेस्ड था, और यहाँ पे मैंने डेटा ऐसे रैंडम ही उठाया है, ठीक है। तो जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे ना, यहाँ पे दिया है कि राम और श्याम का, मान लो राम और श्याम दो लोग हैं, तो इनका जो एज है 5 साल पहले जो एज का रेशियो था, मान लेता हूँ 4:5 दिया था, और 4 साल बाद जो इनके एज का रेशियो है, मान लेता हूँ 7:9 दिया था, फिर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आप कैसे करोगे वो बता दे रहा हूँ। तो आप मान लो 5 साल पहले जो इनका एज का रेशियो था वो 4:5 था, अब 4 साल बाद, तो 5 साल पहले 4 साल बाद जो गैप है वो 9 का हो गया, प्लस 9 करोगे तो अब जो रेशियो आ रहा है वो 7:9 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू निकालना जो भी आएगी, यहाँ पे मैंने डेटा रैंडम माना है, हो सकता है आपका फ्रैक्शन में आए, पॉइंट में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, आप मान लो आपकी x वैल्यू, मान लो आपकी 3 आ गई, मान लो सिर्फ, ठीक है। तो आपको दिख रहा है 5 साल पहले जो राम का और श्याम का जो एज होगा, मैंने 4x और 5x माना था, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 12 और 15 आ चुका है, ये 5 साल पहले का है, तो 5 साल पहले का है, तो प्रेजेंट एज क्या होगा, प्रेजेंट एज इनका क्या हो जाएगा, प्लस 5 कर दोगे ना, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 17 आ जाएगा और 20 आ जाएगा, ये आपका राम और श्याम का प्रेजेंट एज है। अब आपसे पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है कि भाई राम का 3 साल बाद और श्याम का 2 साल पहले का एज का रेशियो बता दो, तो राम का 3 साल बाद, 3 साल बाद कितना 20, और श्याम का 2 साल पहले, 2 साल पहले कितना 18, इसका रेशियो कितना हो जाएगा 10:9 आ जाएगा, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे,
देखो टाइम मैनेवर पे बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आता है। मान लो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, सी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो कितने दिन में करेंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, या आपसे कुछ भी पूछ सकता है, अल्टरनेट डेज पे कर रहा है या जैसे भी कर रहा है, आसान है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, मतलब एक्स जो है वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप यहाँ पे इक्वल टू करो तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, तो के इंटू वन बाई वाई आ जाएगा। तो अगर आपको एक्स की वैल्यू 3 दिया है तो वाई की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू अगर 3 दिया है तो वाई की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो यहाँ से आपकी के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आपकी 18 आ गई। अब आपसे पूछा अगर एक्स की वैल्यू 4 है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको के की वैल्यू पता है, मतलब एक्स इक्वल्स टू आपका 18 बाई वाई है, यही तो है, क्योंकि आपको के की वैल्यू पता चल चुकी है। तो अगर x की वैल्यू कितनी है 4 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी 18/4 आ जाएगी, मतलब 4.5 आ जाएगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स ऑफ अ वुमेन इज 5:1। तो मैं मान लेता हूं कि 500 और 100, जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी रहे। ये आपका क्या है एक्सपेंडिचर, ये आपका सेविंग है, और ये आपका इनकम है। तो इनकम कितना हो जाएगा भाई, एक्सपेंडिचर और सेविंग का समय तो होता है इनकम, तो ये आपका 600 हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि इफ हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज बाय 10% एंड 20%, इसको अगर मैं 10% इंक्रीज कर दूं तो 660 हो जाएगा, और अगर मैं इसको एक्सपेंडिचर को 20% इंक्रीज कर दूं तो ये 600 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये आपका 60 हो जाएगा सेविंग, भाई ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर, तो सेविंग 60 ही तो हुआ। तो पूछ रहा है परसेंटेज चेंज इन हर सेविंग, तो 40% का चेंज आ रहा है इसके सेविंग्स में। ठीक है, तो आपका 40 करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, और ये आपका आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको आपको ऑप्शन से करना था। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि ये आपके दिमाग को दर्शाता है आप कितना सोच पा रहे हो। ठीक है, इस वजह से ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछने चाहिए जो आपको ये बताए कि आप कितना सोच पा रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ रट्टू तोता बन गए हो। ठीक है, जैसे कह रहे हैं 5 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपीज़ कॉइन्स है, और टोटल कॉइन्स 40 है, और टोटल जो रुपीज है मतलब जो अमाउंट है वह 100 रुपये है, तो 5 रुपये के कितने कॉइन्स है। तो आपको ऑप्शन से जाना था, आपने माना सपोज 5 रुपए का कॉइन 16 है, तो आपके 16 कॉइन्स 5 रुपए के हैं, तो आपका 80 रुपए हो गया कि नहीं। अब बचे हुए कितने कॉइन्स है, 24 कॉइन्स बच गए, क्योंकि 16 कॉइन्स आपने माना था कि 5 वाले हैं, तो 24 कॉइन्स बच गए। अब अगर मान लो ये सारे रुपए 1-1 रुपए के भी कॉइन्स होते हैं तो भी ये 24 रुपए हो जा रहा है, और आपका जो रुपए हो जा रहा है 104 हो जा रहा है, मतलब 100 से ज्यादा जा रहा है, मतलब आपको जो 5 रुपए वाले कॉइन्स है ना वो 16 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो मतलब ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो चुका है, मतलब आपका एक ही पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे आपकी मल्टीपल पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये तीनों तो कंफर्म गलत है, तो आपका ये ऑप्शन जो बच गया यही आपका हो सकता है। ठीक है, आपसे पूछा था 5 रुपए के कितने कॉइन्स हैं, आ जाओ नेक्स्ट पे। क्योंकि यहाँ पे ना जो आपकी इक्वेशन बन रही है, आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, मान लो x रुपए के 5 कॉइन्स हैं, 5 रुपए के y, 2 रुपए के y कॉइन्स हैं, और z 1 रुपए के z कॉइन्स हैं, तो आपका क्या जाएगा 5x+2y+z, ये आपका अमाउंट है, ये आपका 100 के इक्वल है, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका कितना हो जाएगा, आपका 40 के इक्वल है। तो देखो यहाँ से आप निकाल नहीं पाओगे क्योंकि आपको 3 वेरिएबल्स चाहिए, इस वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपसे क्या कर रहा है, आपका सर्कुलर रेस का क्वेश्चन आया था और पूछा था कि मतलब कितने समय बाद मिल रहे हैं, वहाँ पे सेम डायरेक्शन है, तो देखो सेम डायरेक्शन में स्पीड का माइनस करते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन रहता तो स्पीड का प्लस कर देते हैं। बस यहाँ पे आप क्या दिया है 1025 दिया है, और यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, देखो यहाँ पे लिखा नहीं है सेम डायरेक्शन, लिखा है सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, स्पीड का डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, आपका डिफरेंस आ रहा है 18 का, 18 × 5/18 कर दोगे तो आपका यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से आपका कितना आ गया 2 और 2, 2, और आपका आ जाएगा 5। ठीक है, तो 2, 2, 5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते तब क्या करते, तब आपका इन दोनों का सम ले लेते, अगर जैसे यहाँ पे सेम डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन होता तो इन दोनों का सम ले लेते, सम कितना हो जाता आपका यहाँ पे, आपका हो जाता 90 × 5/18, तो यहाँ पे 25 चला जाए, 25 से काट देते तो आपका कितना आ जाता आपका 45 आ जाता, 45 सेकंड बाद जाके मिल जाते हैं लोग। ठीक है, समझ में आ गई बात की नहीं, बिल्कुल। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, कितने समय बाद मिल रहे हैं ये आपसे पूछा था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, आने के चांसेस कम है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी है, पिछली बार आ गया था तो इस बार भी आ सकता है किसी भी शिफ्ट में। ठीक है, और आप लटक जाओगे अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन बहुत ही आसान है। जैसे आपसे क्या कह रहा है कि दो पर्सन है, इनकी जो स्पीड है वह 20:30 है इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब 20 ये है 30 ये है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो पूछा है कि ये कितने पॉइंट्स पे मिलेंगे, ट्रैक की लेंथ चाहे जितनी हो इससे मतलब नहीं है, पूछा है कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे मिलेंगे। मान लो पहली बार यहाँ मिल रहे हैं,
दूसरी बार यहाँ पे मिल रहे हैं, तीसरी बार यहाँ पे मिल रहे हैं, चौथी बार यहाँ पे मिल रहे हैं, पांचवी बार यहाँ पे मिल रहे हैं, फिर यहीं पे मिल रहे हैं, फिर यहाँ पे मतलब रिपीट होने लग रहा है। मतलब कितने डिस्टिंक पॉइंट यहाँ पे पाँच है, तो कैसे निकालोगे, मतलब कितने आपसे पूछा कितने डिस्टिंक पॉइंट्स हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, देखो सिंपल क्या करना है, आपको जो भी स्पीड दिया है उसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में काट लेना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या जाएगा, 2:3, ये आपको करना अदरवाइज आपका आंसर गलत आ जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में काट लेना है, मतलब ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुका है, ठीक है। अगर आपका अपोजिट डायरेक्शन में पूछा है तो जो डिस्टिंक पॉइंट्स हो जाएंगे सिंपल इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब पांच पॉइंट्स में मिलेंगे वो, पांच डिस्टिंक पॉइंट्स में मिलेंगे। अगर आपका सेम डायरेक्शन में रहता तो इनका डिफरेंस कर देते, डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 पॉइंट्स में मिलता है, समझ गया कि नहीं। तो यहाँ पे आपका अपोजिट डायरेक्शन था तो आपका 5 आ जाएगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो स्पीड का रेशियो मान लो 12:36 है, 12 मीटर पर सेकंड है, 36 मीटर पर सेकंड है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहे हैं और सेम डायरेक्शन में भी आ रहे हैं, तो आपको डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बताना है कि कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे वह मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले इसको एकदम छोटे से छोटा काट लेना है, मतलब 1:3 में काट लोगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको दिख रहा है दोनों को ऐड कर दो, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में मिलेंगे। अगर सेम डायरेक्शन है तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में मिलेंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा था और आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा था, लेकिन आपको ये ट्रांसवर्स बता दे रहा हूँ, दोनों आ सकता है, और ये मैंने आपको 2-3 बार पढ़ा रखा है IMR में ही, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे डी क्या है, डी आपका ये, डी आपका ये है, और आपका आर क्या है, आर आप मान लो इसको आर मान लो, इसको आप आर मान लो स्मॉल आर, तो बस आपका ये होता है, क्या है ये आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू होती है, रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अब कभी कभी क्या करता है ना, ये दोनों सर्कल टच कर देता है, अगर दोनों सर्कल टच कर दिया तो भी आपको कोई अलग फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपका जो डी हो जाएगा यहाँ पे आर प्लस आर हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका और इजी पड़ जाएगा, अदरवाइज आपको ऐसे ही करना है यार, आप कर लोगे आराम से, कोई आपको दिक्कत फेस करनी नहीं पड़ेगी। ये आपका ट्रांसवर्स टेंजेंट है, ट्रांसवर्स, ठीक है। ट्रांसवर्स की लेंथ क्या होती है, सिंपल ऊपर वाले जैसा ही है, रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आप आर प्लस आर का होल स्क्वायर कर देते हो, यहाँ पे आर माइनस आर था, यहाँ पे आर प्लस आर है, बस ये आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, इसको पॉज करके देख लो कि कितने टेंजेंट आपके कॉमन टेंजेंट बनते हैं, पॉज करके एक बार देख लो। नेक्स्ट देखो, आपसे ना आपको दिया था आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल दिया था, ठीक है, आपको इसका एरिया दिया था और आपसे पूछा था कि हाइपोटेन्यूस क्या होगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूस की लेंथ पूछा था। तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा क्योंकि आइसोस्केलस है, और ये आपका ए रूट टू हो जाएगा, और आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की वैल्यू मान लेता हूँ मैं यहाँ पे दी है 100, ठीक है, तो आपको ए रूट टू की वैल्यू बतानी है, तो आप नहीं निकाल सकते, आपको ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 200 आ जाएगी, तो आप ए रूट टू की वैल्यू नहीं निकाल सकते, रूट 200 इंटू रूट टू, तो आपका 20 आ जाएगा कि नहीं, हाइपोटेन्यूस इस तरह से आपसे पूछा था, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, अच्छा अगर ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल आ ही गया है तो राइट एंगल ट्रायंगल का मुझे इन रेडियस और सर्कम रेडियस नहीं बता सकते, ये होता है हाइपोटेन्यूस बाई टू होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, ये आपका होता है पी प्लस बी माइनस एच बाई टू, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, माइनस एच बाई टू होता है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का इन रेडियस और सर्कम रेडियस होता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, अब आपसे ना सिंपल आपको मान लो कोन का कुछ रेशियो वगैरह पूछ लिया, या आपका सिलेंडर का, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं फार्मूला सारे, तो जो कोन का आपका कर्व्ड सरफेस होता है वो पाई आर एल होता है, और अगर आप इसमें बेस एरिया को ऐड कर दोगे तो आपका ये टी एस ए हो जाएगा, इसका जो एरिया होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, सिलेंडर का 2πrh, 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर इसका वॉल्यूम होता है, मतलब आसान है ना, इसमें क्या ही बता दूं मैं, ठीक है। ऐसे आप स्फीयर का देख सकते हो, हेमिस्फीयर का देख सकते हो, प्रिज्म का भी देख सकते हो, पिरामिड का देख सकते हो, अभी आया नहीं है क्वेश्चन इस पे बेस, लेकिन आपका ये चीज़ें देख सकते हो, ठीक है, आसान सा, इसमें कुछ भी वो नहीं है। फ्रस्टम का देख लो, क्योंकि फ्रस्टम में आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, अगर फ्रस्टम आ गया तो, ठीक है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो सिंपल क्या करना है, जैसे आपका जो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल होता है, इतना तो आपको याद है, तो यहाँ पे आर की जगह आपको आर प्लस आर कर देना है, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक आर ये है, एक आर ये है, तो बस आपको आर प्लस आर कर देना है। ऐसे टी एस ए में क्या करना है भाई, ये जो आपका ये निकाले हो, इसमें एक बार ये वाला एरिया ऐड कर देना है, आपको ये बार एक बार ये वाला एरिया ऐड कर देना है, मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐड कर देना है, तो आपका टी एस ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आपने क्या पढ़ा है, कोन का क्या पढ़ा है, कोन का आपने पढ़ा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो पढ़ा है, बस आपको आर स्क्वायर की जगह क्या डाल देना है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर, ये आपको डाल देना है, तो आपका आ जाएगा, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वही चीज़ किया, बस आपका वॉल्यूम आ जाएगा फ्रस्टम का,
फर्स्ट टाइम का आप लोग भूलते हो, इस वजह से मैंने आपको याद दिला दिया। ठीक है, हाँ, ठीक है। देखो अगर आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा, अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप क्या करना, आप सिंपल डालना एवरेज बाई मैथ्स मेनिया। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है, आप आखिरी के 20 नहीं, आप आखिरी के 30 मिनट देख लेना तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको क्या दिया रहेगा ना, आपको पूरे का एवरेज दिया रहेगा, आपको शुरू के यहाँ से यहाँ तक का एवरेज दिया रहेगा, आपको शुरू के यहाँ से यहाँ तक का एवरेज दिया रहेगा, और फिर आपको यहाँ से कुछ पूछेगा। ठीक है, ये आपको ऐसा भी दे सकता है, ये पूरा एवरेज दिया रहेगा, आपको यहाँ से यहाँ तक का एवरेज दिया रहेगा, आपको यहाँ से यहाँ तक का एवरेज दिया रहेगा, और आपको यहाँ पे कुछ पूछेगा। तो आपको दिख रहा है एक जगह कैविटी क्रिएट हो रही है, मतलब आपको गैप आ रहा है, और एक जगह ओवरलैप आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे भी ओवरलैप आता है वहाँ पे आपने जो भी डेविएशन निकाला है, जो भी साइन आया है, उसी के साथ आपको ऐड कर देना है। मतलब डेविएशन, आप जब डेविएशन निकालोगे, अभी मैं आपको करूँगा, जो भी मान लो डेविएशन आपका +5 आ रहा है, तो सिंपल आपको +5 ही करना है। और यहाँ पे जो डेविएशन आएगा, यहाँ पे मान लो डेविएशन आपका मान लो +7 आ गया, तो यहाँ पे आपको इसका अपोजिट माइनस करना है। अगर आपका गैप है तो इसका साइन का अपोजिट आपको करना है, और अगर आपका ओवरलैप आ रहा है तो जो भी आपका साइन आ रहा है वही आपको करना है। आपको समझ नहीं आएगा लेकिन मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आप ये 30 मिनट देख लेना, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे आपको 30 मिनट पढ़ाऊंगा तो वो चीज़ प्रोडक्टिविटी निकल के नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे करा दे रहा हूँ दो टाइप के क्वेश्चन, एक टाइप का पूछा था, मैं आपको दूसरा टाइप भी करा दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो आओ करते हैं। कह रहे द एवरेज डेली प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इन अ फैक्ट्री इन द मंथ ऑफ दिसंबर इज 512। मतलब पूरा जो आपका वो है दिसंबर मंथ का, मतलब 31 दिन का जो एवरेज है वह आपका 512 दिया है। ठीक है, इफ द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 डेज, पहले 20 डेज का जो एवरेज प्रोडक्शन है वह आपको 515 दिया है, और आखिरी 13 दिन का, आपको पता है 31 दिन का महीना होता है तो यहाँ पे आपका 11 ही बचा है, लेकिन आपका 13 दिन का बता रहा है, मतलब आपका ओवरलैप कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो आखिरी 13 दिन का जो आपका वह है एवरेज, वह आपका 510 है। तो ये जो दो रिपीट हो रहे हैं ना, दो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, दो आपकी एंटिटी जो दो दिन है वो आपके रिपीट हो रहे हैं, तो इनका मैं शुरू में जो एवरेज मानूंगा वो इतना ही मानूंगा, इतना जो पूरे का दिया है, तो 512 माना है, लेकिन 512 है नहीं, 512 मैंने माना है शुरू में, लेकिन कुछ चेंजेस आएंगे, जो भी डेविएशन आएगा, मैंने क्या बताया यहाँ पे आपको दिख रहा है ओवरलैप हो रहा है, जब ओवरलैप आ रहा है तो जो भी डेविएशन आएगा मैं उसी साइन के साथ यहाँ पे चीजें लिखूंगा। ठीक है, अब आ जाओ डेविएशन कितना आ रहा है, आपको 512 का गैप, 512 दिया है एवरेज, यहाँ पे आखिरी 13 दिन का जो एवरेज आ रहा है 510 आ रहा है, तो आपको दिख रहा है -2 का डेविएशन है, -2 का यहाँ पे 13 क्वांटिटी है 13 दिन। ठीक है, ये आपका आया, यहाँ पे कितना डिविएशन आ रहा है, यहाँ पे 515 दिया है, यहाँ पे 512 दिया है, तो आपको दिख रहा है +3 का 20 दिन के लिए, तो टोटल डिविएशन कितना आया, टोटल आपका 60 माइनस यहाँ पे 26, मतलब 34 का +34 का डिविएशन आया है, लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पे दो क्वांटिटी है ना, मतलब दो आपकी दो दिन है, तो आपको दो से डिवाइड कर देना है, तो आपका +17 सब में ईच में +17 आपका जाएगा, और यहाँ पे ओवरलैप हुआ तो मैं इसी साइन के साथ लूंगा, तो ये 512 क्या है, 512 आपने एवरेज माना, मतलब हर दिन का एवरेज 512 है ना, तो आपने इन दोनों दिन का एवरेज 512 माना है, मतलब ये एक दिन का है ना भाई, ये ऐसा नहीं कि दोनों दिन का सम है, ये एक दिन का है प्रोडक्शन, तो इसमें आप 17 सिंपली ऐड कर दोगे तो आपका 529 आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट कर दिया हूँ कि आप ये वाला वीडियो देख लो, आखिर के 30 मिनट देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, आप भी समझो थोड़ी मेरी मजबूरी। जैसे अगर यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ द एवरेज ऑफ 16 नंबर्स, यहाँ पे 16 नंबर का आपको एवरेज दिया है, यहाँ पे 16 नंबर का एवरेज आपको 48 दिया है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 ऑफ दीज नंबर, मतलब शुरू के 6 नंबर का जो आपको एवरेज दिया है वो आपको 45 दिया है, और क्या दिया है 10, और आपको यहाँ पे लास्ट 7 नंबर, तो आपको पता है यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे बचे कितने, यहाँ पे 10 बचे, लेकिन आपको 7 का ही दिया, मतलब यहाँ पे ओवरलैप नहीं हो रहा, इन 7 का जो आपको एवरेज दिया है वो आपको 53 दिया, यहाँ पे 3 नंबर बचे, 3 नंबर ही तो बचे भाई, ये 7 6 कितना होता है 13 होता है, तो यहाँ पे 3 नंबर बचे, इन तीनों का एवरेज आप कितना मानोगे, जो आपको पूरे का एवरेज दिया है, तो ये एवरेज है, ये मतलब तीनों नंबर को आपने 48 48 48 माना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।
अब आपको पता है यहाँ पे आ रहा है गैप, कैविटी आ रही है, तो जब कैविटी आती है जो भी आपका यहाँ पे डेविएशन आएगा उसका अपोजिट साइन आप यहाँ पे ऐड करोगे, उसका अपोजिट साइन, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका ओवरलैप किया था, जब भी ओवरलैप करता है तो आप सेम साइन यहाँ पे ऐड करते हो, सेम साइन। लेकिन जब यहाँ पे ओवर कैविटी आती है, यहाँ पे गैप आ रहा है ना तीन का, तो जो गैप आ रहा है, जब भी गैप आता है तो आप इसका अपोजिट ऐड करते हो, ये बस आपको याद रखनी चाहिए। अब आप डेविएशन देखो, डेविएशन कितने का आ रहा है, डिवीजन देखो, अगर मैं आपको डिवीजन की बात करूं यहाँ पे देखो ध्यान से, तो आपको दिख रहा है पूरे का 48 दिया है, इसका 53 दिया, मतलब 5 का डिवीजन प्लस 5 का डिवीजन 7 पे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे माइनस 3 का डिवीजन 6 पे, तो आपको दिख रहा है जो डिवीजन आ रहा है 35 माइनस 18 कितने का आ रहा है, आपको दिख रहा है पे 17 का आ रहा है, 17 का आ रहा है, प्लस 17 का आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे उसको सब्सट्रैक्ट करना है, ये बात आपको समझना है कि उस चीज को सब्सट्रैक्ट करना है। अब आपको एक बात और समझनी है कि जो 48 दिया है ना, ये इन तीन का दिया, मतलब तीनों का एवरेज दिया, तो अगर इन तीनों का मैं सम की बात करूं तो 48 इंटू तीन हो जाएगा, क्योंकि 144 हो जाएगा इन तीनों का सम, इन तीनों का जो सम हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब मैंने सम क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया है, देखो यहाँ पे दिया है क्या, सेवन्थ और एट्थ नंबर जो है वो रिस्पेक्टिवली 3 और 7 ज़्यादा है 9th नंबर से। यहाँ पे आपको एवरेज नहीं पूछा है, आपसे कह रहा है जो 7वां नंबर है और 8वां नंबर है वो रिस्पेक्टिवली 9th नंबर, मैंने मान लिया क्या है 9th नंबर क्या है x मान लिया, तो जो 8th नंबर और जो 7th नंबर हैं वो कितने ज़्यादा हैं, वो x प्लस 3 हैं और x प्लस 7 है। तो आपको यहाँ पे तीनों के सम से काम चलाना पड़ेगा, तो इन तीनों का सम 144 है, इसमें आप इसका अपोजिट, प्लस 17 तो आप माइनस 17 करोगे, तो वो इसमें से आप 17 घटा दोगे तब कितना जाएगा आपका, आ जाएगा 7, आपका जाएगा 2 127। ये तीनों का सम है, एक्चुअल सम है, मैंने शुरू में माना था यहाँ पे 144, लेकिन 144 नहीं है, एक्चुअल क्या है 127 है। अब 127 इन तीनों का सम है, तो आप देख लो 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 127, तो आपका 3x इक्वल्स टू 39, सॉरी x की वैल्यू आपकी 39 आ जाएगी। तो आपसे पूछा गया, आपसे ये देख लो पूछा गया है, पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 9th नंबर एंड 7th नंबर, तो इन दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा 2x प्लस 3 बाई 2, तो 2 सॉरी x प्लस आपका 1.5 आ जाएगा, ये तो आ जाएगा एवरेज, तो इसमें 1.5 ऐड कर दो तो आपका 40.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप ये वाला देख लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, देखो अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू दिया है, साइन ए की वैल्यू दिया है 4/5, तो आप ट्रेंगल बना के कॉस ए की वैल्यू, टेन ए की वैल्यू निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ में अगर आपको दे कि राइट एंगल भी है, जैसे आप अगर देखो यहाँ पे आपको साइन ए की वैल्यू पता थी, मान लो ये साइन ए की वैल्यू पता है, तो यहाँ से आप कॉस ए इन सब की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको मान लो साइन सी की वैल्यू पूछ ले तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि यहाँ पे राइट एंगल वाला जो ट्रेंगल है वह कौन सा एंगल भी है या एंगल से है। तो अगर आपको बता दिया कि राइट एंगल बी पे है, फिर आप साइन सी भी निकाल सकते हो, साइन सी कॉस सी टेन सी टेन ए सब कुछ निकाल सकते हो फिर आप, ठीक। तो वही इस पे बेस्ड आपको साइन ए की वैल्यू दिया था, आपको कॉस ए का पूछा था, ऐसे आपसे पूछा था, मान लो टेन ए की वैल्यू आपसे आपको दिया है, आपको किसी की वैल्यू पूछ ले, सेक ए की वैल्यू पूछ ले या कोई फॉर्मूला देकर वैल्यू पूछ ले, आप इजिली निकाल सकते हो ट्रेंगल बना के, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपको tan a की वैल्यू दिया है और क्या कहा है कि राइट एंगल एट b है, देखो यहाँ पे आपको tan a की वैल्यू दिया है, ये आपका a है, ये आपका b है, क्योंकि राइट एंगल b पे, ये आपका c है, तो tan a की वैल्यू 5/12, ये आपका 5, ये 12, ये आपका 13 हो चुका है कि नहीं। अब sin a कितना हो जाएगा, sin a आपका कितना हो जाएगा, आपका 5/13 हो जाएगा, आपका sin b कितना हो जाएगा, sin b तो 90 है, मतलब 1 भाई sin 91 होता है ना, प्लस sin c क्या है, sin c आपका 12/13 है, तो आप इजीली निकाल सकते हो कि नहीं इसकी वैल्यू, आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, ऐसे ही आपका ये देखो कॉस कॉट भी दिया है, ट्रेंगल बना दो लो, कॉट भी दिया है आपको, मान लो ये बी है तो आपका कॉट भी दिया है, तो आपका ये 9 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका √82 हो जाएगा। आपको सेक स्क्वायर भी बताना है, सेक स्क्वायर भी क्या होता है, आपका 82/81 आ जाएगा, ठीक है। तो 82/81 वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, आसान है। आ जाओ नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा हार्ड करा रहा हूँ, लेकिन इस पे बेस बहुत ही ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन आया था, बहुत ही ज़्यादा इजी, ठीक है, मैं आपको हार्ड करा रहा हूँ। हार्ड क्या है, आपको दिख रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कॉट 61 है, तो आपका यहाँ पे कॉट स्क्वायर 61 आ चुका है, ठीक है। माइनस आपको दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर 61 है, ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर 61, तो आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आपका माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आपका माइनस वन आ चुका है। यहाँ पे देखो ये आपका कॉट स्क्वायर 54 है और ये आपका सेक स्क्वायर 36 है, तो ये आपका कॉसेक स्क्वायर ये आपका 54 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा।
और ये फिर आपका माइनस वन हो जाएगा, तब ये फिर माइनस वन हो जाएगा, मतलब आपका टोटल माइनस टू हो चुका है यहाँ तक। अब आप इसको देखोगे तो आपका ये और ये देखो, पहली बात तो 13589 तक गया, मतलब यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने आए, टोटल टर्म्स आपके 45 आए हैं भाई। देखो एक एक का गैप है ना, तो 90 तक जाता तो आपका कितने 90 टर्म्स होते हैं, सब में एक एक गैप कर दिया है, ठीक है, तो आपका 45 टर्म्स आ रहे हैं, जिसमें जो बीच वाला टर्म है वो साइन स्क्वायर 45 है, ये बीच वाला टर्म है जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जिसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस टू आ चुका है, यहाँ पे आपका हाफ आ चुका है। अब आपका बचा क्या क्या है, अब आपका बचा क्या है मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो भाई आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपकी माइनस टू आ चुकी है, और यहाँ पे जो बीच में साइन स्क्वायर 45 आ रहा है उसकी वैल्यू हाफ आ चुकी है। अब आपका बचा क्या है, आपका ये साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89 बचा है, आपका ये बचा और आपका 87 बचा होगा, ऐसे बचा होगा आपका। अगर दो दो पेयर देखो तो ये आपका क्या है, आपका कॉस स्क्वायर 1 ही तो है ये, अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर 87 होता तो ये आपका कॉस स्क्वायर 3 ही तो है। तो आप देखो ये दोनों मिलके आपके 1 बना रहे हैं, पहली बात तो यहाँ पे 44 टर्म्स बचे हैं और दो दो के पेयर मिलके 1 बना रहे हैं, मतलब आपका टोटल 22 आंसर आ जाएगा इस बचे हुए का। मैंने 45 को नहीं लिया, बचे कितने टर्म्स हैं, बचे टर्म 44 हैं भाई, 45 टर्म थे, अब मैंने साइन स्क्वायर 45 को निकाल लिया, 44 टर्म्स बचे हैं, और इस 44 टर्म के मैंने दो दो पेयर बना रहा हूं, तो आपकी वैल्यू 1-1 बन रही है। आप देखो ना, अगर मैं आपको ब्लू पेन से दिखाऊं तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या बन, 1 बन रही है भाई, ऐसे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 1 बन रही है, मतलब दो दो मिलके 1 बनना है, तो 44 आपके 22 बना देंगे, प्लस 22 आ जाएगा तो आपका क्या देगा 20, हाफ आ गया इसका करेक्ट आंसर। ये मैंने हार्ड कराया, इस पे बेस्ड बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका इलेक्शन पे आया था और बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा सा लगता है मैं आपको बताऊंगा क्या था उसमें, ठीक है, बाकी देख लो। तो क्या कह रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% लोगों ने जो है वोट नहीं दिया, बाकी 5% जो वोट्स थे जो पड़े वो इनवैलिड थे, सक्सेसफुल कैंडिडेट को 52.5% वोट मिला, तो जो लूजर होगा उसको 47.5% वोट मिला होगा, जो गैप होगा इनके बीच का वो 5% होगा, इस गैप का वैल्यू आपको इतना दिया है, ठीक है। साथ में आपको एक बात और ध्यान रखना है, जैसे अगर लिखा है ए इज इलेक्टेड बाई 5-5 वोट्स, मान लो ऐसा कुछ लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो विनर और लूजर के बीच का जो गैप है वह 525 है, ये आपको लैंग्वेज से थोड़ा सा फैमिलियर होना है। अगर लिखा है कि ए इज इलेक्टेड बाय 525 वोट्स, इसका मतलब ये है कि ए और बी के जो वोट्स का गैप है वह 525 है, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको ये जो वैल्यू दिया है 1710, ये बेसिकली 5% की ही वैल्यू, देखो कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 5% है, और ये वैलिड वोट्स ही काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है 5, इतना वैलिड वोट्स मिला, मतलब ये वैलिड वोट्स, तो अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके टोटल वैलिड वोट्स आ जाएगा, और आपको पता है 5% जो वोट्स है वो इनवैलिड है, मतलब 19 की वैल्यू ये दिया है, 5% अगर जैसे 20 है तो इसमें एक आपका इनवैलिड होगा, 19 आपके वैलिड होंगे, तो ये आपने वैलिड तो निकाला है, इतने वैलिड वोट्स हैं, तो ये आपके 19 की वैल्यू है, जब आप 20 की वैल्यू निकालोगे तो इतने नंबर ऑफ वोट्स डाले गए हैं। अब 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, मतलब ये आपकी 9 की वैल्यू है, जब आप 10 की वैल्यू निकालोगे तो इतने लोगों ने वोट्स, मतलब इतने वोटर लिस्ट में हैं, बस इसको सॉल्व कर लो, 19 आपका 171 हो जाता है, 5 चौक आपका 40,000 आ जाएगा, 40,000 आपका आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, आपको वहाँ पे 40,000 दिया था, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन था, 40,000 भी आपको दिया था, आपको बोला था कि वाई परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया है, ठीक है, तो आपसे वाई की वैल्यू पूछा था, आप कैसे करोगे, देखो आपको पता है कि 171 इतना जो है ये आपको 5% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालोगे तो ये टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे 5% वोट्स जो इनवैलिड है, मतलब ये 19 का हो जाएगा, ये 20 का हो जाएगा, इतने आपके टोटल वोट्स डाले गए। अब आपको पता है वाई परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला, तो आपको पता है ये आपका 100-y लोगों ने वोट डाला होगा, ठीक है, और ये आपके टोटल इलेक्टोरल लिस्ट में इतने लोग हो गए होंगे। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू दिया था 40,000, ठीक है, तो आप वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इजीली निकाल सकते हो, तो आपको ऐसे करके वाई की वैल्यू निकालना था, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। एक और इस टाइप के क्वेश्चन ना आपके एक लाइन के ही होते हैं, ठीक है, अगर आपने मुझसे पढ़ा रखा है तो आप एक लाइन में ही उड़ाओगे, आपको कोई रेशियो कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में लिखोगे आपका हो जाएगा। कह रहा है एक शॉपकीपर है जिसको इतने का प्रॉफिट हो रहा है, जब वो उस बुक को 10% डिस्काउंट पे बेच रहा है, तो आपको कॉस्ट प्राइस दिया है, तो आपको प्रिंटेड प्राइस बताना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 500, ठीक है, 17% प्रॉफिट पे बेच रहे हो, मतलब 117/100 पे बेच रहे हो, और इतने पे बेच रहे हो, ये जब बेच रहे हो तो 10% डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब आप ये सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस तब है ये जब आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब ये आपकी 9 की वैल्यू है, आप 10 की वैल्यू निकालोगे तो आपका एमपी निकल के आ जाएगा, तो बस सॉल्व कर लो, तो कितने बार चला जाएगा आपका 13 होता है, 13 25 65, तो आपका 650 आपका आ जाएगा,
ठीक है, मतलब एक लाइन में कर सकते हो आप इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है आपका बढ़िया, ठीक है, मैंने आपको सब कुछ चीज़ें बता दी, बता देना आपको क्लास कैसी लगी, और मैं आपको आगे भी ऐसे कराता रहूँगा। मैं प्रॉपर आपको एग्जैक्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बेसिकली जो भी आपका होगा उस पर बेस्ड हम इंटेंस मैथ रिविजन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।